हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यानी कि इधर पे हमारा आ जाता है कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में कैसे कैसे टेक्नोलॉजी आई, कैसे कैसे चेंजेस आए, बदलाव कैसे कैसे आए। ठीक है, तो इस दे विच सब तो पहला की है कि ट्रांसपोर्ट ते कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, सब तो पहला जदों वॉर होया सी 1812 दे विच, ते उस दे विच की सी, उस तो बाद आपां कह सकते हैं कि वॉर तो बाद जदों लोग, आपां कह सकते हैं कि जदों पॉपुलेशन हुई, पॉपुलेशन जिहड़ी है, जिहड़े लोग ने वो वधे, पॉपुलेशन करके आपां कह सकते हैं कि खाने दी जिहड़ी डिमांड है, फूड डिमांड, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, जिस करके जिहड़े लोग ने उन्होंने सोचा कि आपां किवें फूड की प्रोडक्शन नू होर ज़्यादा वधाइए। ठीक है, तो उन्होंने एग्रीकल्चर बारे सोचा, एग्रीकल्चर यानी कि खेतीबाड़ी करन दे बारे सोचा। फिर उन्होंने की किया कि अब जेड़े किसान ने, मतलब कि सारे लोग की करने लग गए, खेती करन लग गए, ते जदों उन्होंने देखा कि वह आपदे जिहड़े घर का पालन पोषण ईजीली कर सकते हैं, तो उन्होंने अपनी जिहड़ी फसल है उसनू वेचन दे लई सोचा। ठीक है, तो उस तो बाद उन्होंने की किया कि जदों वो आपदी जिहड़ी क्रॉप है उसनू सैल किया। ठीक है, तो अब वो सोचन लगे कि आपां थोड़ी जी, मतलब थोड़ी जी मेहनत दे विच काफ़ी ज़्यादा फसल किवें उगाइए। ठीक है, तो उन्होंने कुछ कह सकते हैं कि अजिहे सीड्स लाए जिन्ना करके काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्रॉप्स उगी। ठीक है, फिर उस तो बाद कि उस क्रॉप नू, उस जिहड़ी फसल है, अनाज है, उस नू एक जगह तो दूजी जगह ले जान दे लई ट्रांसपोर्ट, यानी कि अजिहे आपां कह सकते हैं कि मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जिदे करके आपां उस चीज़ नू एक कंट्री तो दूजी कंट्री, या फिर आपां कह सकते हैं कि एक जगह तो दूजी जगह पहुँचा सकीए। ठीक है, तो इस दे लई उन्होंने सोचा कि जिवें एक कंट्री है उसदे कोल काफ़ी ज़्यादा अनाज है तो दूजी कंट्री नू उस दी लोड़ है। ठीक है, तो उस दे लई उन्होंने की किया कि ओशियन दे थ्रू, महासागरा दे थ्रू उन्होंने उस चीज़ नू ट्रांसफर किया थ्रू शिप्स। ठीक है, जिन्हों आपां वाटरवेज, आपां कह सकते हैं वाटरवे ट्रांसपोर्ट कहने हैं। तो इस दे विच जिहड़ी ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है वो तीन तरीके नाल हो सकती है, थ्रू वाटर, ठीक है, थ्रू लैंड या फिर थ्रू एयर। ठीक है, तो सब तो पहला जिहड़ी आपां कह सकते हैं कि वाटरवेज सी, वाटरवे दे थ्रू जिवें आपां कह सकते हैं कि जिहड़ी कोई भी चीज़ है, जिवें हो गए गुड्स, हो गए गुड्स यानी कि कोई भी कच्चा माल हो गया, उहदा ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो उस तो बाद की किया कि एग्रीकल्चर दे नाल नाल उत्थे एक होर सैक्टर दी आपां कह सकते हैं कि इंप्रूवमेंट हो रही सी, उहदे विच कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा सी। ओ केड़ी इंडस्ट्री सी, ओ केड़ा सैक्टर सी, ओ सैक्टर सी इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडस्ट्रीज दे विच कोई भी रॉ मटीरियल, कोई भी कच्चे माल तो कुछ नई चीज़ बनांदे सी, ते उस नू एक जगह तो दूजी जगह ट्रांसपोर्ट करन दे लई उन्हां नू व्हीकल, या फिर आपां कह सकते हैं कि एक टेक्नोलॉजी दी लोड सी, जिस दे लई की कीता गया ट्रांसपोर्ट दे विच एडवांसमेंट इंप्रूवमेंट कीती गई। ठीक है, ते सब तो पहला साढ़े कोल है इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड यानी कि आप मान लो एक कंट्री में ही आप कह सकते हो कि एक जगह तो दूजी जगह वाटर दे थ्रू, मतलब कि रिवर्स हो गए, स्ट्रीम्स हो गए, नदियाँ हो गई, नहरें हो गई, इन्ना तो जेड़ा आपां कह सकते हैं समान हो गया। ठीक है, उहदा एक जगह तो दूजी जगह ट्रांसपोर्ट करना, वो हो गया इनलैंड वाटरवेज। तो जेड़े किसान सी उन्होंने की किया कि उन्होंने आपदी मतलब कि जेड़ा भी फसल है उस नू ट्रांसपोर्ट करन दे लई उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोटी रकम
मतलब उदे तो पाई। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि ये बन गया उन्हों का एक सोर्स ऑफ इनकम बन गया। ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम बन गया। उन्होंने की किया कि इनलैंड वाटरवेज मतलब कि जड़ी बड़ी बड़ी नदियां होंदिया सी उन्होंने आप कह सकते हैं कि जड़ी बोट्स हो गई उन्होंने उत्ते काफ़ी सारा फसल जड़ा क्रॉप है उसनों ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन्होंने इसकी मतलब इस उन्होंने ये काम किया। इनलैंड वाटरवेज तो बाद मतलब इनलैंड वाटरवेज जिमें कि इस अलग अलग कंट्रीज अलग अलग रिवर्स का एग्जाम्पल दिता होया है कि उन्होंने किमें बोट्स के थ्रू शिप्स तो वैसे ओशियंस के विच हुंदियां ने सी के विच हुंदियां ने रिवर्स के विच आपां मोस्टली बोट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो बोट्स के थ्रू उन्होंने किमें जिहड़ा गुड्स है मतलब कि जिहड़ा इंडस्ट्रीज तो सामान मिले या फिर जिहड़ा किसान के द्वारा डेवलप किया सॉरी प्रोड्यूस किया गया सामान है उसनों किमें उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया ये बारे दसिया हुआ है। तो इस तो बाद थोड़ी होर डेवलपमेंट हुई, थोड़ी होर डेवलपमेंट होके की किया गया कि कैनाल क्रेज। कैनाल क्रेज भी आप कह सकते हैं कि ये भी एक तरीके का जिहड़ा नदियां तो ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि एक चीज़ नू दूजी सॉरी एक प्लेस तो दूजी प्लेस तक कोई चीज़ नू पहुँचाने दे ले इस नू यूज़ किया गया सी। ठीक है, के नाल आप कह सकते हैं कि जिमें पानी पानी लोड करन दे ले भी केनाल यूज होंगी है। ठीक है, तो एरी केनाल एदा आप कह सकते हैं कि मतलब कि एरी कैनाल एक प्रोजेक्ट नाम दिता गया सी इस दे विच उन्हां नूं सक्सेस मिली सी ते इस करके इस दा नाम कैनाल क्रेज दिता गया। ठीक है, उस तो बाद आया साढ़े कोल रेल रोड्स। ठीक है, कि अब मान लो कि अगर कहीं पर वाटर बॉडीज नहीं है, वाटर बॉडीज नहीं है तो आपां किवें गुड्स नूं जिहड़ा सामान है उसनों किवें ट्रांसपोर्ट करिए। ठीक है, तो इस दे लई उन्होंने की डेवलपमेंट की सोचिया कि आप रेल रोड्स बना सकते हैं। रेल रोड्स दे विच जिहड़ी मालगाड़ियाँ हुंदियां ने उस करके आप जिहड़ा रॉ मटीरियल है उसनों इंडस्ट्रीज तक ते इंडस्ट्रीज का गुड्स जिहड़ा है वह दूजी जगह तक आप पहुँचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हुंदा है मात्रा दे विच हुंदा है इस दे लई जिहड़े मालगाड़ियाँ ने उन्होंने बनाया गया सी। ठीक है, अलग अलग जेड़े आप कह सकते हैं रेल रोड। फिर उस तो बाद रेल रोड का इस्तेमाल आप कह सकते हैं ट्रैवलिंग भी यूज किया जान लग गया। तो उस तो बाद कुछ समय बाद ही आप कह सकते हैं कि मतलब जिमें आप कह सकते हैं कि जिहड़ी बोट्स ने उन्हां दी जगह रेल रोड ने लै ली। फिर रेल रोड्स तो बाद आप रोड्स वल जाते हैं। रोड्स दे विच की होया कि रोड्स दे विच जिवें तुसी मान लो कि नॉर्मल रोड्स हो गई। ठीक है, फिर हाईवेज आ गए, नेशनल हाईवेज आ गए, एक्सप्रेसवे आ गए, ये सारे अलग अलग टाइप दे रोड्स ने। ठीक है, इन्हां दे विच की हुंदा है कि एक आप कह सकते हैं कि एक ही सिटी दे विच तुसी एक जगह तो दूजी जगह कोई भी चीज़ किमें ट्रांसपोर्ट करो या फिर तुसी किमें ट्रैवल करो। ठीक है, किमें तुसी एक जगह तो दूजी जगह पहुँचो उस दे लई जिहड़ा रास्ता दिता होया है वो हुंदियां ने रोड्स। ठीक है, रोड्स दा आपां यूज करके जिहड़े एक जगह तो दूजी जगह पहुँच सकते हैं। ये भी एक ट्रांसपोर्ट दे विच की है एडवांसमेंट है उहदे विच ये आपां कह सकते हैं डेवलपमेंट है। नेशनल रोड्स हो गए या फिर आप कह सकते हैं नेशनल हाईवेज हो गए नेशनल हाईवेज हो गए, एक्सप्रेसवे हो गए, ये सारे रोड्स दे विच आउंदे ने। उस तो बाद कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन दे विच इंप्रूवमेंट तो पहला आपां नूं सब तो पहला की आना चाहिए कि कम्युनिकेशन हुंदी की है। ठीक है, कम्युनिकेशन आप कह सकते हैं कि मान लो कि किसी परसन का कोई भी विचार है कोई थॉट है। ठीक है, कोई थॉट
थॉट है, ये कोई पर्सन है, ठीक है, इज द एक थॉट है, ते ओ इस थॉट नू दूजे पर्सन नू या फिर दूजी जगह किवें पहुंचावे, ठीक है, ए इस थॉट नू इस पर्सन नू बता रहा है, ठीक है, उसनू एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेस करना, ठीक है, एक ही है, एक तरीके का कम्युनिकेशन है, संचार है, ठीक है, संचार नू आपा कह सकते हैं कि जदों आपा या फिर एक ग्रुप आपदे जेड़े थॉट्स ने विचार ने उन्ना नू जदों दूजी जगह पहुंचा सके, ठीक है, जिन मतलब दूजी जगह पहुंचा सके, उन्ना नू वो बात समझ आवे, वो की है कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिमें कि तुसी मान लो कि तुसी कोई जगह गए, ठीक है, ते उस जगह दे विच तुसी किसी पर्सन तो कुछ पूछया ते उन्होंने थोनू बताया उस जगह का एड्रेस या फिर कुछ भी, तो एक ही हो गया, एक तरह का कम्युनिकेशन हो गया, ओके, तो इस दे विच आपा कह सकते हैं कि टाइम टू टाइम मतलब कम्युनिकेशन दे विच डेवलपमेंट आई। अब कम्युनिकेशन दे विच, ठीक है, सब तो पहले आपा कह सकते हैं कि जेड़ा इंसान है, जेड़ा आपा कह सकते हैं कि पर्सन है, उस दे विच समझदारी आना, उसनू वो समझन दे ले, आपा कह सकते हैं कि जदों कोई भी जदों जदों कम्युनिकेशन डेवलप हुई तो इंसान की समझन की शक्ति आपा कह सकते हैं कि वो भी डेवलप हुई, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी उहदे करके की हुई, डेवलप हुई कम्युनिकेशन करके, ठीक है, तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आपा को दो तरह के होंगे, वर्बल ते नॉन वर्बल, ठीक है, वर्बल दे विच की है कि जेड़ी चीज़ आपा बोल के एक्सप्रेस कर दे, ठीक है, वर्बल चीज़ जेड़ी आपा बोल के एक्सप्रेस कर दे, या फिर आपा कह सकते हैं एदे विच की ने जदों आपा किसे पर्सन नाल बात कर दे, फेस टू फेस इंटरैक्शन, ठीक है, या फिर इस दे विच होर की है टेलीविजन रेडियो, ये सारे केड़े ने वर्बल टाइप के कम्युनिकेशन होंदे ने, वर्बल यानी कि जिदे विच बोल के आपदा जेड़ा थॉट है या फिर कोई भी चीज़ है उनू एक्सप्रेस करना, उनू बताना, वो है वर्बल कम्युनिकेशन। उस तो बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दे विच की है, हाँ एक और चीज़ कि एदे विच जिहड़ा वर्बल कम्युनिकेशन है एदे विच तुसी आपां कह सकते हैं कि रिटन फॉर्म दे विच भी, रिटन फॉर्म दे विच कोई चीज़ है वो भी वर्बल कम्युनिकेशन दे विच आउंदी है, ठीक है, जिवें कि लैटर्स, ईमेल्स, नोट, रिपोर्ट्स, ये भी जिहड़े हुंदे ने ये वर्बल कम्युनिकेशन दे विच आउंदे ने, ओके, ते नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दे विच की आउंदा है किसी परसन जदों आपकी बॉडी लैंग्वेज नाल, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज नाल कोई चीज़ एक्सप्रेस करे उस नू कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, जिमें कि मान लो कि इंटरव्यू दे विच तुसी बैठे हो, ठीक है, तो वो थोड़ी बॉडी लैंग्वेज जेड़ी ने उनू भी ऑब्जर्व करते हैं, तो उस नू कहा जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जेड़ा कि बॉडी लैंग्वेज नाल आपा कह सकते हैं कि जिदे विच बॉडी लैंग्वेज इनवॉल्व होंदी है, ठीक है, जेड़ा आपा कह सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज नाल उसनू आपा एक्सप्रेस कर रहे हैं, ओके, दिस पर्टिकुलर स्किल कैन मेक और ब्रेक द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन, कि अगर किसी पर्सन दे विच, अब देखो वर्बल कम्युनिकेशन तो हम सबको ईजीली समझ में आ जाती है, लेकिन जो जेड़ी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होंगी है वो किसी किसी पर्सन ही समझ आती है, आपा कह सकते हैं कि जेड़े काफ़ी एक्सपीरियंस्ड अनुभवी लोग होंगे हैं उन्होंने मतलब कि इसका काफ़ी आइडिया होंगे, वो किसी परसन की बॉडी लैंग्वेज देख के पहचान जाते हैं कि हाँ जी एक किहो जहा मतलब परसन होएगा या फिर एक की सोच रहा है, ये मन के अंदर की चल रहा है, तो ये स्किल जेड़ी है वो फायदेमंद भी हो सकती है तो साथ ही साथ नुकसानदायक भी हो सकती है, ठीक है, उस तो बाद जेड़ा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फिर उस तो बाद कि आपा कह सकते हैं कि जेड़ा संचार, संचार विच आपा कह सकते हैं कि जेड़ी टेक्नोलॉजी है उसने उसमें कैसे मदद की, ठीक है, उसने कैसे सहायता की, तो आपा कह सकते हैं कि
ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸਮੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੇਂਜਿਸ ਲਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਲਾਇਆ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਲੈਪਟੋਪ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਸਪੀਚ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਥੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵ ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋਟਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਥੋਟਸ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੇਵ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਇਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸੰਚਾਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੇਵ ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਫਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਸਨ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਕੇਵ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਫਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਿੰਬਲਸ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਿੰਬਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਰੌਕ ਦੇ ਪੱਥਰ ਜਿਵੇਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੌਕ ਆਰਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੌਕ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੁਛ ਸਿੰਬਲਸ ਆ ਗਏ? ਦੇਖੋ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਸੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਗਏ? ਸਿੰਬਲਸ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੰਬਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਲਫਾਬੈਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੋਜ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਨੰਬਰ ਐਂਡ ਅਲਫਾਬੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਫਾਬੈਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਈ, ਇਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਰਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਟਾਈਪ ਆਇਆ, ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੋਕ ਸਿਗਨਲਸ, ਸਮੋਕ ਸਿਗਨਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੂੰਏ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬਤਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡੇਂਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮੋਕ ਸਿਗਨਲਸ ਨਾਲ,
ठीक है, ये अजिहे सिग्नल होंगे हैं जिन्हों आप किसी परसन ये बताने के लिए यूज करते हाँ कि आप इस जगह हैगे हाँ प्रेजेंट हाँ। ठीक है, फिर देवर मोस्टली यूज इन चाइना, ये भी नोट डाउन कर लो कि जेडे स्मोक सिग्नल्स ने वो सब तो ज़्यादा कितने यूज किए जाते हैं। ठीक है, फिर स्मोक इज डिपिक्टेड एज अ मैसेज टू द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नू एक मैसेज देने दे ले ही, मतलब ओनू डिपिक्ट करता है, एक मैसेज दिंदा है। ओके, तो जेडे ग्रीक सी ओ स्मोक सिग्नल्स नू आपा कह सकते हैं स्मोक सिग्नल्स तो ओ अल्फाबेट रिप्रेजेंट करते सी, अल्फाबेट दिखाते सी, ठीक है, दर्शाते सी। उस तो बाद कैरियर पीजन, ये आप कह सकते हैं ना कि चिट्ठियां जिवें होंदियां सी कबूतर लेके जाते सी, तो इस दे विच की है कि पीजन जेडे ने उन्हू हर डायरेक्शन का हर दिशा का पता होंदा। ठीक है, तो वो की करते हैं, वो जिहड़ा लैटर हुंदा है उस नू, मतलब मान लो किसी परसन ने दिता तो वो उस नू जिन्हू देना है उन्हू वो लैटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, पीपल यूज टू अटैच अ स्मॉल लैटर टू देयर नैक, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके पैर के लैटर्स नू बांध देंगे। फिर वो की करते हैं कि मतलब वो पीजन्स जेड़े ने कबूतर ने उन्हू रिसीवर तक जिन्हों वो लैटर देना है उस तक उस लैटर नू पहुँचाते हैं, पहुँचाते थे, दे कैरिड एसेंशियल मैसेज एंड हेल्प इन इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन। ये करके आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे आपकी जी मतलब साढ़े कम्युनिकेशन दे विच संचार दे विच थोड़ा और चेंज आया। ठीक है, उस तो बाद कैरियर कबूतर तो बाद की होया पोस्टल सिस्टम आ गया कि लैटर्स जेड़े ने वो आप पोस्ट करन दे विच आ गए। ठीक है, इस दे विच की होया कि वो कुरियर सर्विस जिवें हो गया कुरियर सर्विस या फिर लैटर्स हो गए, इन्हां दा काफ़ी आप कह सकते हैं कि लोगों नू इन्हां दे विच जागरूकता हो गई, इन्हां दे विच कि किवें आपां लैटर्स ट्रांसफर कर सकते हैं, किवें आपां लैटर्स एक जगह तो दूजी जगह पहुँचा सकते हैं। तो इसने भी काफ़ी हेल्प किया साड़ी जिहड़ी आप कह सकते हैं कम्युनिकेशन दे विच, जिमें कि तुसी मान लो कि ये सिस्टम केड़ी केड़ी कंट्रीज़ ने ऑर्गेनाइज किया, ये भी तुसी नोट डाउन कर सकते हो, है इंडिया चाइना पर्शिया एंड रोम। ठीक है, फिर इस तो बाद साड़ी कम्युनिकेशन दे विच थोड़ी और एवोल्यूशन हुई, न्यूज़पेपर आए, न्यूज़पेपर करके आपां होर कंट्री नाल या फिर पूरे वर्ल्ड नाल जुड़ गए कि जेड़े न्यूज़ ने खबरां ने वो एक जगह तो दूजी जगह आपां कह सकते हैं कि फैलने लग गए, ट्रांसफर होने लग गए। ठीक है, एदे करके आपां कह सकते हैं आपां पूरे वर्ल्ड नाल कनेक्ट हो गए। ठीक है, कि किस वक्त कहां पर क्या हो रहा है ये आपां नू न्यूज़पेपर दे थ्रू पता लगता रहा। सब तो पहला प्रिंटिंग प्रेस सिस्टम जेड़ा है इंट्रोड्यूस किया गया सी वो 1440 दे विच जर्मन जॉन्सबर्ग गटनबर्ग इन्हां ने सब तो पहला प्रिंटिंग प्रेस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ओके, तो इसने भी आप कह सकते हैं कि साड़ी जिहड़ी कम्युनिकेशन है उस नू हमेशा दे लई, या फिर आप कह सकते हैं कि उस नू अज भी न्यूज़पेपर नू यूज़ किया जाता है, इस करके आपां मतलब आपां कह सकते हैं कि जिहड़ी साड़ी कम्युनिकेशन है उस दे विच न्यूज़पेपर दा भी, कम्युनिकेशन दे विच जिहड़ी इवोल्यूशन है उहदे विच न्यूज़पेपर दा भी सब तो वड्डा रोल है। ठीक है, फिर रेडियोज़ दे विच आपां कह सकते हैं कि आपां जिहड़ी न्यूज़ या फिर खबरां ने उहनू सुनने लग गए। ठीक है, कि एक जगह मतलब कि जिवें तुसी मान लो कि रेडी न्यूज़पेपर सी, न्यूज़पेपर विच की हुंदा है कि खबरां जिहड़ियां हुंदियां ने एक दो दिन पुरानी हुंदियां, वो छप के आंदे आंदे दो तीन दिन लग जांदे हैं। रेडियोज़ दे विच की है कि वो जिहड़ी खबर है वो आपां सुन सकते हैं उसी टाइम। ठीक है, या फिर इस दे विच आपां एंटरटेनमेंट दे लई भी जिहड़ा रेडियो है उसनू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸਿਗਨਲਸ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸਿਗਨਲਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਸਰਚਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਣਾਏ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਥਰੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੈਟਰਸ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਥਾ, ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਨ ਮੈਸੇਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲੈਟਰਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਕਾਫੀ ਕਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਗ੍ਰਹਿਮ ਬੈਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਗ੍ਰਹਿਮ ਬੈਲ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਓਕੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨਸ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੋਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਆ ਗਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਦੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ? 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। 1876 ਮੇਂ ਹਮਾਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ, ਉਹ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਮੋਸਟਲੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦ ਅਰਲੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਸਪਲੇਡ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਪਿਕਚਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਟੂ ਜਿਹੜਾ 1942 ਤੋਂ 1939 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਟੂ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਰਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲਰਡ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਰਸ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
थोड़ी बहुत मतलब डेवलपमेंट आती गई, और अलग अलग टाइप के जेडे आपा टेलीविजन्स आज यूज करते हाँ वो डेवलपमेंट करके आपां देखने मिलते हैं। ये भी एक काफी आपा कह सकते हैं वड्डा सोर्स है कम्युनिकेशन का। फिर उस तो बाद इंटरनेट ते ईमेल, इंटरनेट ते ईमेल नू ने की किता कि पूरे वर्ल्ड नू, पूरे आपा कह सकते हैं दुनिया नू काफी पास मतलब कि काफी क्लोज कर दिया कि अब कुछ भी मुश्किल नहीं रह गया। एक जगह तो आपा मतलब मान लो कि अमेरिका तो लेकर जापान तक मैसेज इजीली पहुंचा सकते हैं, ठीक है, कुछ सेकंड्स दे विच। ते एक ही ने किता सी जेडे टिम बर्नर ली ने, उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब दी, वर्ल्ड वाइड वेब जेड़ा कि लिंक दे आगे मतलब कोई भी आपा कह सकते कोई भी वेबसाइट होंगी है उस दे आगे www होंगे है, ते वर्ल्ड वाइड वेब दी इन्हों ने आपा इन्वेंशन की 1990 दे विच, ठीक है। इस दे विच सैटेलाइट्स जेड़े ने, सैटेलाइट्स दे थ्रू आपा कह सकते हैं कि एक परसन दूजे परसन तक सैटेलाइट ते इंटरनेट जब आपस दे विच कनेक्ट मतलब आपा कह सकते हैं ना कम्युनिकेट करते हैं, ओदे करके की हुंदा है कि एक परसन दूजे परसन आपदी जेड़ी इंफॉर्मेशन है ओनू इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। ते ऐसे ही ईमेल्स ने, ईमेल्स दे विच भी की हुंदा है कि जेड़े आपा कह सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी डेटा है जेड़ा साडे कोल ओनू आपा किसी होर परसन नू मान लो कि ऑफिस रिलेटेड डेटा है कोई बिजनेस रिलेटेड है उस नू आपा एक परसन तो दूजे परसन तक या फिर काफी सारे परसन तक उस डेटा नू इजीली ते कम टाइम दे विच पहुंचा सकते हैं, ठीक है। ते एक इंटरनेट दे विच की है वाईफाई, इस दा फुल फॉर्म कदे कदे पूछ लेंदे हैं, वाईफाई दा फुल फॉर्म है वायरलेस फाइडेलिटी, ठीक है, वायरलेस फाइडेलिटी। इस दा फुल फॉर्म पूछ लेंदे हैं, वायरलेस कनेक्शन कदों शुरू होया सी 1991 दे विच, ठीक है। नेक्स्ट है साडे कोल ईमेल तो बाद टेक्स्ट मैसेजेस भी ईमेल्स में मतलब आ जाते हैं कि हम लोग जो जब मोबाइल फोन आ गए, जब मोबाइल फोन आए सी उस तो बाद आप टेक्स्ट मैसेज का भी यूज किया कि टेक्स्ट मैसेज जिहड़े ने वो एक परसन तो आप दूजे परसन तक इजीली पहुंचा सकते हैं, ओदे करके आपकी मतलब जिहड़ी कम्युनिकेशन है ओदे विच काफी ज्यादा चेंज हो गया। अब तुसी भी सोचो कि आपां किते सब तो पहला पेंटिंग करके किसी परसन मतलब कि आपका जोड़ा थॉट है वो एक्सप्रेस करते सी ते काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता सी, आज देख लो सोशल मीडिया हो गया या फिर इंटरनेट हो गया ये करके जेडे आप कह सकते हैं कि परसन कितने कितने दूर भी हो साडा जोड़ा थॉट है उसनों सुन सकता है समझ सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया भी जेडे ने जेडे अलग अलग परसन होंगे हैं वो आपदे जेड़े कह सकते हैं एक्सपीरियंस हैं इवेंट लाइफ तो रिलेटेड जेड़े अलग अलग इवेंट्स करते हैं, डांस करते हैं, वीडियोस होंगे ने, इमेजेस होंगे ने, उन्हों मतलब कि पूरे दुनिया तक फैला सकते हैं, सबनों आपदा जेड़ा थॉट है आपदे जेड़े कह सकते हैं कि लाइफ तो रिलेटेड इवेंट्स ने उस बारे हर किसी पर्सन नू बता सकते हैं, ठीक है। हर परसन ओना नाल कम्युनिकेट कर सकता है। ते ए अलग अलग आपा कह सकते हैं कि इस करके किवें देख लो किवें इवोल्यूशन आ रहा साडे जेड़े कम्युनिकेशन है उहदे विच किवें इवोल्यूशन आया। अब ये जेड़ी इवोल्यूशन है इहदे करके जेड़ी साडी कम्युनिकेशन है संचार है उहदे विच आपा कह सकते हैं कि वो काफ़ी ईजी हो गई, मतलब कि डिस्टेंस जेड़ा है वो अब मैटर नहीं करता, डिस्टेंस जेड़ा है वो मैटर अब नहीं करता। अब हम क्या है कि एक परसन तो दूजे परसन नाल इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। जिस परसन नू सोशल स्किल है यानी कि मतलब आपा कह सकते हैं सॉरी जिस परसन नू ए मतलब अलग अलग जेड़े कम्युनिकेशन दे इंस्ट्रूमेंट्स ने
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਣਾ ਵੀ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਰਸਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਤਾਉਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਇਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬ ਕੱਲ ਹਮ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਂਗੇ। ਤੋ ਆਜ ਕਾ ਜੋ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਥਾ ਉਸਮੇ ਹਮਨੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿ ਜੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੜੀ, ਇਨਕੀ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਇਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਚੇਂਜਿਸ ਆਏ, ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੁਆ, ਕਿਉਂ ਹੁਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਗੇ ਹਮਾਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਬ ਹਮ ਕੱਲ ਆਪਸੇ 1:30 ਵਜੇ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਤੋ ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।